हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे डॉक्टर हितेश कारियाज बायोलॉजी। ठीक है, तो जैसे कि हम आपके लिए फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड की बायोलॉजी की सीरीज लेके आए हैं फॉर ग्रेड 11 एंड देन ग्रेड 12, और साथ में नीट भी कवर कर रहे हैं। आई एम श्योर आप में से कई बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या, तो डोंट वरी, हम आपके लिए सब सब्जेक्ट्स लेके आएंगे बट धीरे धीरे करके, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग गुड टीचर्स हु कैन गिव यू द बेस्ट। ओके, तो फिलहाल हम शुरुआत बायोलॉजी से कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट फाइलम की स्टडी की, फाइलम पॉरीफेरा। अब नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस फाइलम का नाम है फाइलम निडेरिया। सी द स्पेलिंग, मैंने आपको कहा था कि सी लिखेंगे पर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सी इज साइलेंट। ठीक है, तो ये फाइलम निडेरिया। अच्छा, इसी फाइलम को हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिलेंटरेटा। आपने जब 10th में एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो आई एम श्योर आप लोगों ने यह नाम पढ़ा होगा, सिलेंटरेटा। तो सिलेंटरेटा को ही निडेरिया कहते हैं। ठीक है, आप और एक बात सुनिए, पहले निडेरिया और इसके बाद वाला फाइलम टीनोफोरा, ये दोनों मिलाकर एक फाइलम माना जाता था सिलेंटरेटा। बट बाद में निडेरिया को पता चला कि टीनोफोरा की काफी सारे पॉइंट्स निडेरिया से मिलते जुलते नहीं है, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो निडेरिया से नहीं मिलते जुलते, तो निडेरिया ने टीनोफोरा को अलग कर दिया। तो टीनोफोरा बिकेम अ डिफरेंट फाइलम। तो अब मैं अगर सिलेंटरेटा बोलूं, इट इंक्लूड्स ओनली निडेरिया एंड नॉट टीनोफोरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ निडेरिया, these animals are also aquatic animals. ठीक है, they are all aquatic animals. अब मैंने आपको बताया कि जब हम aquatic बोलते हैं तो उसमें marine भी हो सकते हैं, fresh water भी हो सकते हैं, right? So again, they are mostly marine. Okay? They are mostly marine and very few are found in fresh water. Right? Mostly marine but very few are found in fresh water. Am I clear with this? Right? अब अगर example पूछा जाए few का, तो एक example याद रख लीजिए, Hydra. Hydra is a fresh water cnidarian. ये fresh water में पाया जाता है, like तालाब के पानी में, lakes के पानी में, ठीक है, ये समुन्द्र में नहीं पाया जाता। I hope this is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला character, all cnidarians, they show radial symmetry. With symmetry, radial. Radial means आप उसे किसी भी प्लेन में से काटोगे, you cut them from any axis, they will give you two identical halves. हमने पढ़ा था symmetry तीन type की होती है, या तो कोई symmetry नहीं होती उसे कहते asymmetrical, radial symmetry, bilateral symmetry. Bilateral symmetry में only through one plane you will get two equal halves. But in radial symmetry, you cut the animal from any axis or any plane, you will get two identical halves, right? So cnidaria or cnidarians, they show radial symmetry. Then agar hum organization ki baat kare to yahan par tissue level organization hai, hai na? Porifera mein kya tha? Cellular level organization tha, cells ke gucche bane hue the jise hum kehte hain cell aggregate. But yahan par ek step aage gaya aur cnidaria tissue level organization dikha raha hai. Are you getting my point? Absolutely clear. Then, अगर हम germ layers की बात करें तो all cnidarians are diploblastic. आपको याद है जब हमने criteria for classification किया था, उसमें एक criteria यह था कि germ layers कितने हैं, diploblastic है कि triploblastic है। अगर दो germ layers से body parts बने तो diploblastic, अगर तीन germ layers से बने तो triploblastic. But cnidarians are diploblastic. That means two germ layers. Okay, the body organs are made, the body parts are made up of two germ layers. I hope this is clear, right? Now, ab dhyan se suniye. Humne porifera mein kya padha tha? Ke sare ke sare sponges hain, wo sessile hote hain, wo move nahi kar sakte, hai na? Wo kisi na kisi substratum ko, surface ko attached hote hain. Ab thoda animal develop hua, aage badha. तो निडेरिया बोला, भाई मैं पूरी तरह से सेसाइल नहीं रहूंगा, भाई एक तो तुम मुझे एनिमल किंगडम में जा डाल रहे हो
ऊपर से चलने फिरने की एबिलिटी भी नहीं दे रहे हो, राइट? तो निडेरिया में आपको दो फॉर्म्स मिलेंगे. नाउ लिसन टू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सम ऑफ देम आर सेसाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, और वेर एज सम ऑफ देम आर फ्री स्विमिंग, मतलब ये पानी में मूव कर सकते हैं. तो कुछ निडेरियंस हैं वो अटैच्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं सेसाइल, और कुछ निडेरियंस हैं जो पानी में ऐसे ऐसे तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं. सो वी कॉल देम एज फ्री स्विमिंग. अब ध्यान से सुनिए, ये जो सेसाइल फॉर्म है ये जनरली सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप. एंड ये जो फ्री स्विमिंग फॉर्म है ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं, ठीक है, दे आर अम्ब्रेला शेप्ड. तो इन्हें हमने इन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया है, द सेसाइल फॉर्म्स विच आर सिलिंड्रिकल इन शेप आर कॉल्ड एज पॉलिप्स. वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिप्स. एंड जो फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप्ड हैं इन्हें कहते हैं मेड्यूसा फॉर्म, इन्हें कहते हैं मेड्यूसा फॉर्म. तो मतलब इन निडेरियंस आपको दो फॉर्म्स देखने मिलेंगे, एक जो सिलिंड्रिकल है और एक जो अम्ब्रेला शेप्ड है, एक जो अम्ब्रेला शेप फॉर्म्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो चलिए, अभी तक हमने क्या कहा, निडेरियंस, फाइलम निडेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम सिलेंटरेटा. They are all aquatic animals, mostly marine, few are freshwater. अगर हमें freshwater का example पूछा जाए तो Hydra, one of the freshwater forms. All cnidarians show radial symmetry, they show tissue level organization, they are diploblastic, that means body is derived from two germ layers, that is ectoderm and endoderm, there is no mesoderm, याद रखना. Then cnidarians exist in two forms, that is the sessile and the free swimming form. The sessile means they are attached, they cannot move, so they are cylindrical in shape aur unhe hum kehte hain polyps. The free swimming forms are umbrella shaped aur ye move kar sakte hain aur inhe kaha jata hai medusa form. I hope this is clear. Chaliye main aapko ek example deke bata deta hu, right? सो दैट आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. देखिए, ये जो पॉलिप फॉर्म है, ये जो पॉलिप फॉर्म है इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है हाइड्रा, एक एग्जाम्पल है हाइड्रा, और दूसरा एग्जाम्पल है सी एनिमनी या सी एनिमोन, वट एवर यू प्रोनाउंस इट. सो हाइड्रा एंड सी एनिमोन दे कम अंडर पॉलिप फॉर्म. एंड मेड्यूजा का एग्जाम्पल, रिमेंबर जेलीफिश, आपने सुना होगा जेलीफिश के बारे में, जो अम्ब्रेला शेप की दिखती है. सो दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज मेड्यूसा फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, सी एनिमोन, ये जो सी एनिमोन है और हाइड्रा है, दे बोथ कम अंडर पॉलिप्स. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम इज अडेमसिया एंड जेलीफिश का साइंटिफिक नेम इज Aurelia. I hope this is clear. So polyp form and medusa form, hydra and sea anemone are example of the polyp form and jellyfish is an example of medusa form. अब मैं आपको बताता हूं इनका body plan कैसा है, how is the body structure, polyp कैसे दिखता है और medusa कैसे दिखता है. चलिए शुरू करते हैं, पहले इसको screenshot ले लीजिए, लिख लीजिए, I hope आप लिख रहे हैं मेरे साथ साथ. तो आगे बढ़ते हैं, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द बॉडी प्लान, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना है ऑफ पॉलिप्स, राइट? पॉलिप इज वन फॉर्म ऑफ निडेरियंस, आई एम रिपीटिंग अगेन. नाउ देखिए ये कैसे दिखता है पॉलिप फॉर्म. तो ये सिलिंड्रिकल होता है यूजुअली, लेट मी ड्रॉ इट हियर. नाउ ये आपकी बॉडी वॉल हो गई, राइट? अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट निडेरियंस, बॉडी के अंदर देर इज अ एलिमेंट्री कैनाल, बट एलिमेंट्री कैनाल आपको याद है हमने बॉडी प्लान के बारे में पढ़ा था, इट इज अ ब्लाइंड सैक
form of body organization. Blind sac means elementary canal hai, but it has only one opening. मतलब food अंदर आने के लिए भी यही opening है और potty करने के लिए भी यही opening है. गंदा लगता है सुनने में, but that's how they are made. Okay? अच्छा, by the way, ये जो अंदर की body cavity है, ये जो अंदर की body cavity है, इसे हम कहते हैं gastrovascular cavity. Or it is also called cilentron. Okay? Either it is cilentron. Yes. Okay? So the inner cavity is called as the gastrovascular cavity or cilentron. पहले हम body plan की बात करते हैं. तो this is the body plan. This is the body wall. Inside there is a gastrovascular cavity. अब देखिए, ऊपर एक conical projection होगा. There is a conical projection and this conical projection is called as the hypostome. इसे क्या कहेंगे? Hypostome. And on the top of the hypostome, this is the mouth of cnidaria. ये एक conical projection है जिसे hypostome कहते हैं. And on top of the hypostome is the opening which is called as the mouth. I hope this is clear. अब ध्यान से सुनिए. Surrounding the hypostome, यहां पर ऐसे finger-like projections निकलेंगे. ऐसे finger-like projections निकलेंगे. Now, these finger-like projections are called as tentacles. Okay? So, surrounding the hypostome, we have finger-like projections which are called as tentacles. अब देखिए, आपको पता है, इस phylum को cnidaria नाम क्यों मिला? इस tentacles के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द टेंटेकल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड नीडोब्लास्ट. अच्छा, अब नीडोब्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग सेल्स का मतलब है डंक मारने वाले सेल. जैसे सांप हमें डंक मारता है, तो इस ऑर्गेनिज्म को, इस एनिमल को जब कोई प्रे को पकड़ना होगा या किसी को अटैक करना होगा, तो इस टेंटेकल्स के ऊपर जो स्टिंगिंग सेल्स है उससे वो अपने प्रे को डंक मार के उसके अंदर जहर डाल के उसको पैरालाइज कर देता है और फिर उसको टेंटेकल्स की मदद से अपने माउथ के अंदर डाल लेता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट. सो दिस स्टिंगिंग सेल्स आर कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट दे गॉट द नेम cnidaria. आई होप दिस इज क्लियर. एब्सोल्यूटली राइट. ओके, now the next point, I told you about gastrovascular cavity. This is an elementary canal, but it is a blind sac type of the body organization where the elementary canal has only one opening. To ye tentacles kya karte hain? Needle, maan lo koi, okay, let me just erase this. Okay, maan lo koi prey yahan par aa gaya, koi abhaga sa prey yahan par aa gaya, to ye apne stinging cell se usko dunk maar ke paralyze kar dete hain और ये टेंटेकल्स की मदद से कैप्चर करके उसको माउथ के अंदर ले लेते हैं और माउथ से वो आ जाएगा इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जहां पर एंजाइम्स की मदद से उस फूड को डाइजेस्ट कर दिया जाता है. Now one question, why the name gastrovascular cavity? See, gastro word aaya digestion se aur vascular word aaya circulation se. To ye cavity digestion mein bhi help kar rahi hai. This cavity is helping in digestion also and it is helping in circulation also. Circulation, nutrients ko alag alag cell ke paas bhejna padega digestion ke baad. So it is called as the gastrovascular cavity or the cilentron. I hope this is clear. Right. अब ये हो गया body plan of polyps. चलिए, अब what is the second form? What is the other form in cnidarians? Medusa. Let us try to understand the body plan of medusa.
जो अम्ब्रेला शेप ऑर्गेनिज्म है, अब वो कैसे दिखते हैं ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है अगर आपको मेडूसा प्लान समझना है, इट्स वेरी सिंपल, आप ना इस पॉलीफॉर्म को इन्वर्ट कर दीजिए, बस उसको उल्टा कर दीजिए एंड यू विल गेट द मेडूसा फॉर्म। देखिए कैसा है, तो मेडूसा फॉर्म ऐसे अम्ब्रेला शेप है, ओके अम्ब्रेला शेप है, ये इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है अंदर, जो नीचे थी हमने उसको ऊपर कर दिया, सो दिस इज द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, दिस इज द हाइपोस्टोम, दिस इज द माउथ एंड दीज आर द टेंटेकल्स, दीज आर द टेंटेकल्स, राइट। सो द अम्ब्रेला शेप फॉर्म इज कॉल्ड एज मेड्यूसा, और यहां पर हम एग्जाम्पल याद रखेंगे जेलीफिश, द साइंटिफिक नेम इज ऑरेलिया, और यहां पर हम एग्जाम्पल रखेंगे हाइड्रा, और वन मोर सी एनिमोन, एंड इसका साइंटिफिक नेम इज अडेम्जिया। आई होप एम आई क्लियर, राइट। सो दिस इज द बॉडी प्लान ऑफ पॉलिप्स एंड दिस इज द बॉडी प्लान ऑफ मेड्यूसा। सो वंस अगेन रिवाइजिंग, दिस इज द बॉडी वॉल, इनसाइड वी हैव द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, बट इट इज अ ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल वेयर देर इज ओनली वन ओपनिंग, द अदर एंड इज क्लोज्ड, इसीलिए हम इसे ब्लाइंड सैक कहते हैं। ऑन द टॉप देर इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, ऑन द हाइपोस्टोम यू हैव एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज द माउथ, द माउथ इज सराउंडेड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड टेंटेकल्स, ऑन द टेंटेकल्स देर आर स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड नीडोप्लास्ट, दे आर द स्टिंगिंग सेल्स। Now this needoblast, exam में पूछा जाता है needoblast का function क्या है, okay? तो let me just put it here. Needoblasts are used for anchorage. They are used for anchorage. They are used for attack. And they are used for defense. Anchorage मतलब, मान लीजिए हाइड्रा कोई पत्ते से चिपकना चाहता है या पानी में कोई दूसरे चीज को जाकर अटैच करना चाहता है, तो वो इस नीडोब्लास्ट की मदद से उस चीज को पकड़ लेता है, उसे कहते हैं एंकरेज। देन अगर अपने प्रे को कैप्चर करना है तो अटैक, डिफेंस मतलब अगर उसे कोई अटैक करने आ रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए भी वो इस नीडोब्लास्ट का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफेंस। सो नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, फॉर अटैक एंड डिफेंस। फाइलम टीनोफोरा, अब फिर से एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं, इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी सी से पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टी से, टीनोफोरा, ठीक है। सो यू विल राइट द सी बट यू विल नॉट प्रोनाउंस इट। अब इंग्लिश में पता नहीं अंग्रेज चले गए और ये इंग्लिश छोड़ गए हमारे लिए, है ना, तो देर आर सर्टन वर्ड्स विच आर मेंट टू बी प्रोनाउंस दैट वे, राइट। चलिए शुरू करते हैं फाइलम टीनोफोरा। अब सुनिए, जितने भी एनिमल्स फाइलम टीनोफोरा में बिलोंग करते हैं they are all aquatic animals, ये animals भी पानी में, देखिए हमने पढ़ा था पॉरीफेरा भी पानी में थे, निडेरिया भी पानी में थे, अब ये भी पानी में है, ठीक है aquatic, लेकिन हमने क्या कहा था कि aquatic में दो चीजें हो सकती है, या तो some animals are found in sea water, that is they are marine, मतलब समुन्दर में पाए जाते हैं, एंड सम ऑफ देम आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर, मतलब नदियों में, लेक्स में, तालाब में, है ना। लेकिन वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ फाइलम टीनोफोरा दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट एक्वेटिक तो है बट दीज आर एक्सक्लूसिवली, ध्यान से सुनिए, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ समुंदर के पानी में पाए जाते हैं। टीनोफोरा के एनिमल्स फ्रेश वाटर में, नदी में, तालाब में नहीं पाए जाते, ओके। सो एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ, सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अब देखिए सारे फाइलम्स में, मैं आपको यहां पर एक एडिशनल बात भी बता दूं, ओके, तीन ऐसे फाइलम्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्यों मैं इस पॉइंट पर जोर दे रहा हूं, बिकॉज ये नीट में पूछा जाता है। हमने आपको कहा कि हम आपको महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ नीट की भी तैयारी करा रहे हैं, तो नीट के भी क्वेश्चंस हम साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे कि कौन से पॉइंट पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो गया ना आपके लिए लाइफ इजी, एब्सोल्युटली। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सक्लूसिवली मराइन में तीन फाइलम है, एक अभी हमने लिखा फाइलम टीनोफोरा,
Then phylum Hemichordata. Okay, phylum Hemichordata and phylum Echinodermata. ठीक है, तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये तीन फाइलम सिर्फ और सिर्फ मरीन है, सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सुनिए इसकी खास बात क्या है बच्चों. ये जो टीनोफोरा ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हैं ना, इनकी बॉडी ऐसे ट्रांसपेरेंट जेली लाइक दिखेगी. मतलब दिन में मान लो आपने इसको पकड़ लिया, ओके, तो आपको कोई खास कलर नजर नहीं आएगा, ये जेली लाइक दिखेगी, ओके. लेकिन अंधेरे में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरा, अंधेरे में इन डार्क दीज एनिमल्स शो अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड बायो लुमिनिसेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. मतलब ये जानवर, ये एनिमल्स शाम में या रात में चमकते हैं, ओके. अगर आप उनको देखोगे तो वो चमकेंगे, उनके अंदर से एक शाइन आपको नजर आएगी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बायोलुमिनेसेंस. अब आपके कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि सर हमने जुगनू को रात में चमकते हुए देखा है, तो जुगनू फाइलम टीनोफोरा है? नहीं, दैट इज नॉट फाइलम टीनोफोरा. वो अलग कीड़े होते हैं, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. उनमें भी बायोलुमिनेसेंस देखने मिलता है, बट ये एक एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और रात के वक्त ये अपने अंदर से एक शाइन छोड़ते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ इल्यूमिनेटिंग एट नाइट इज कॉल्ड एज बायोलुमिनेसेंस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ इन एनिमल्स की, इन एनिमल्स को, ये जो टीनोफोरा ग्रुप के एनिमल्स हैं, इनको और नाम से जाना जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोम्ब जेलीस, ओके, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट्स. अब वॉलनट आपको पता है, वॉलनट को हिंदी में अखरोट कहते हैं. तो अगर आप इनको बाहर निकाल कर देखोगे तो गोल गोल अखरोट के शेप के दिखते हैं और ये समुंदर में पाए जाते हैं. अखरोट नहीं होते, अखरोट जैसे दिखते हैं, ओके. सो दे आर कॉल्ड एज सी वॉलनट्स. अब इनका और एक इंपॉर्टेंट नाम है, दे आर, लेट मी राइट दिस प्रॉपरली, ओके. दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोम्ब जेलीस. अब कोम्ब का मतलब है कंगी, है ना, जिसे हम हमारे बाल बनाते हैं, उसको इंग्लिश में कोम्ब कहते हैं. अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर इनको कोम्ब जेलीज नाम क्यों मिला है. चलिए देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके. मैं यहां पर इसकी डायग्राम बना रहा हूं. जैसा कि हमने कहा कि ये दिखने में ऐसे अखरोट जैसे गोल दिखते हैं. अब आपको लगता होगा कि इस ऊपर इसका माउथ होगा, पर ऐसा नहीं है. इनका माउथ जो है ये नीचे की तरफ होता है, द माउथ इज ऑन द लोअर साइड. ठीक है, तो ये हो गया इनका माउथ. आई होप दिस इज क्लियर. और निडेरिया की तरह इनके ऊपर ऐसे दो टेंटेकल्स होते हैं, ओके. जस्ट लाइक फाइलम निडेरिया हैड टेंटेकल्स, दे ऑल्सो हैव टेंटेकल्स, राइट. तो ये ऐसे टेंटेकल्स होते हैं एंड ये टेंटेकल्स कुछ ऐसे दिखते हैं. ठीक है, सो दीज आर द टेंटेकल्स ऑफ टीनोफोरा. अब नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड कोम प्लेट्स. अब इनका कंगी के साथ क्या कनेक्शन, कोम जेलीज, ठीक है. अब इनका कंगी के साथ क्या कनेक्शन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, इनकी बॉडी के ऊपर ना, देर आर एट कोम्ब प्लेट्स. ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. देर आर एट कोम्ब प्लेट्स. मतलब मान लीजिए ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये तीसरी प्लेट हो गई, ये चौथी प्लेट हो गई, ये पांचवी प्लेट हो गई, ये छठवीं प्लेट हो गई, ये सातवीं हो गई और ये आठवीं हो गई. ऐसे आठ प्लेट्स होती है और इन प्लेट्स के ऊपर ऐसे कंगी जैसे सीलिया अरेंज होते हैं. जैसे आपने देखा है कंगी के ऊपर जो दांत होते हैं, ओके, तो इनके ऊपर ऐसी कोम्ब प्लेट्स अरेंज होती है. एम आई क्लियर, ओके. सो दीज आर कॉल्ड एज कोम्ब प्लेट्स. इन सभी के ऊपर होती है ये,
Okay. I'm not drawing all. I am sure you are understanding what I'm trying to say. Okay. So these are called as the comb plates. और ये comb plates क्या है? ये cilia की बनी हुई होती है. You know cilia are tiny hair-like structures. अब ये किस लिए है? तो इस comb plates की मदद से ये animals पानी में locomotion कर सकते हैं. ये पानी में चल सकते हैं. I hope this is clear. So because of the presence of अब ये जो ciliated plates हैं, these are actually ciliated plates. पर ये दिखती कंघी की तरह है. And that is why they are called as comb jellies. I hope this is clear. Absolutely. In fact, आपको पता है, see, cilia तो कई organisms की body पे हमने देखा है. आपने पढ़ा है paramecium, उसके body surface पे भी cilia होता है. लेकिन paramecium ना size में बहुत छोटा है. उसके comparison में ये size में काफी बड़ा है. Right? तो ऐसे, you know, it has been said that this is the largest animal. This is the largest animal to move with the help of cilia. मतलब ये काफी बड़ा जानवर है जो cilia की मदद से move करता है. Am I clear? Right? चलिए एक बार फिर से इतना recap कर लेते हैं. हमने क्या कहा? Phylum Ctenophora के सारे animals aquatic हैं. वो पानी में रहते हैं. अब पानी में भी वो सिर्फ और सिर्फ समुंदर में पाए जाते हैं. They are exclusively marine. So there are three phyla which are exclusively marine: phylum Ctenophora, phylum Hemichordata, and phylum Echinodermata. The most characteristic feature of the animals of phylum Ctenophora, bhai, ye chamakte hain raat mein. That means they show bioluminescence. Bio matlab living organism, luminescence matlab chamakna. Ye ek zinda janwar hai jo chamakta hai, right? Inka dusra naam, they are also called as comb jellies. और सी वॉलनट. नाउ इनका कंघी से क्या कनेक्शन है? कंघी तो नहीं है पर वो स्ट्रक्चर कंघी जैसा दिखता है. तो ये इनका बॉडी है, ये नीचे माउथ है, ये इसके दो टेंटेकल्स हैं, राइट? तो इनकी बॉडी पे ऐसी आठ प्लेट्स होती है. चलो मैं आपको एक अलग से बना के दिखा दूं, जिसके ऊपर ऐसे कंघी के शेप वाले सीलिया आपको देखने मिलेंगे. तो सीलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड इन लोकोमोशन, राइट? एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज कोम्ब जेलीज, क्योंकि वो जेली जैसे दिखते हैं और उनकी बॉडी पर कोम्ब है. एंड दिस इज द लार्जेस्ट एनिमल टू मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो लेट्स गो अहेड. अब सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हम फाइलम निडेरिया पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में निडेरिया और टीनोफोरा, इन दोनों फाइलम को एक ही फाइलम में डाला गया था, एंड दैट वाज फाइलम सिलेंटरेटा. बट बाद में टीनोफोरा को अलग कर दिया गया क्योंकि हमें उनमें कुछ ऐसे फीचर्स नजर आए जो निडेरिया में नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो निडेरिया में भी पाए जाते हैं, राइट? तो हमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ टीनोफोरा विथ निडेरिया. तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं, वॉट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ टीनोफोरा विथ निडेरिया, जिसकी वजह से इनको पहले निडेरिया फाइलम में रखा गया था. शुरुआत करें, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, फर्स्ट इसका बॉडी प्लान. ओके, बॉडी प्लान इज अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. तो निडेरिया में भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था. मतलब कैसा है ये देखिए, अगर ये टीनोफोरा है तो नीचे इसका माउथ है, माउथ नीचे की तरफ है, और मतलब माउथ उसका लोअर सरफेस पे है, और ये जो है ये इसकी डाइजेस्टिव कैविटी है. यहां पर कोई ओपनिंग नहीं है, देर इज जस्ट वन ओपनिंग विच इज एक्टिंग एज द माउथ ऑल्सो एंड एक्टिंग एज द एनस ऑल्सो, है ना? तो इसी को हम ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. एब्सोल्युटली. देन अगला सिमिलैरिटी, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां पर भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. अभी तक कोई ऑर्गन्स नहीं बने. द सेल्स हैव डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म टिश्यू बट देयर इज नो ऑर्गन.
तो निडेरिया में भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, राइट? देन अगर हम सिमेट्री की बात करें, तो निडेरिया में हमने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री है, तो यहां पर इन टीनोफोरा ऑल्सो यू विल फाइंड रेडियल सिमेट्री. नाउ व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? मैं बार बार बता रहा हूं, अब आखिरी बार बता रहा हूं, आज के बाद अगर मैं बोलू रेडियल सिमेट्री तो आपको पता होना चाहिए रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है. सी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मैं कोई भी एक्सिस से काटूं, किसी भी प्लेन में से काटूं, ओके, मुझे टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, आई विल गेट टू आइडेंटिकल हाफ्स, दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. ठीक है? तो जस्ट लाइक निडेरिया, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा ऑल्सो शो रेडियल सिमेट्री. देन अगली बात, अगर हम बात करते हैं सीलोम की, नाउ टेल मी व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज बॉडी कैविटी. नाउ निडेरियंस वेर ए सीलोमेट, उनके बॉडी में कोई बॉडी कैविटी नहीं थी. जस्ट लाइक दैट इवन एनिमल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा आर ए सीलोमेट, मतलब इनके बॉडी में कोई कैविटी नहीं है. मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में कोई भी वर्ड के पहले अगर ए लग जाए तो ए का मतलब है एब्सेंट. सो सीलोम इज एब्सेंट. चलिए अब जिनको नहीं पता सीलोम का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूं. ये देखिए, ये जो है ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है अंदर, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस इज योर बॉडी वॉल. मान लो ये उसकी बॉडी वॉल है. अब हमारे केस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी है, गैप है ना, मतलब बॉडी के अंदर एक खाली जगह है जिसके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी को रखा गया है. बट ये देखिए, इनकी बॉडी वॉल इतनी थिक है, दिस इज द बॉडी वॉल एंड दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो देयर इज नो कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द बॉडी वॉल, देयर इज नो सीलोम, एंड दैट इज व्हाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज ए सीलोमेट. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज वन मोर फीचर दैट इट इज हैविंग इन मैच विथ फाइलम निडेरिया, राइट? अच्छा, अब एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इनकी जर्म लेयर्स की बात करें, ओके, अब आपको याद है जर्म लेयर्स क्या है? एम्ब्रियो स्टेज में जब कोई ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो उनकी उसके बॉडी ऑर्गन्स जिन सेल्स से बनती है उन्हें कहते हैं जर्म लेयर्स. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में दो जर्म लेयर्स होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में तीन जर्म लेयर्स होती है. चलिए याद करिए हमने क्या नाम बताया था, जिनके पास सिर्फ दो जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, देयर इज नो मेसोडर्म, इन्हें हमने कहा था डिप्लोब्लास्टिक. और जिनके पास तीन जर्म लेयर्स हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उनको हमने कहा था ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब निडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, सिमिलरली टीनोफोरा दीज आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. दैट मीन्स देयर बॉडी इज डिराइव फ्रॉम ओनली टू जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. जिन लोगों को जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज जाके हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने सीलोम के बारे में बताया है, जर्म लेयर्स के बारे में बताया है. बार बार देखते रहिए. सी, बायो को अच्छी तरह से मास्टर करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज प्रैक्टिस. यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बायोलॉजी? इफ यू कंपेयर ऑल द थ्री साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, सम्स हैं. अपना बायो एकदम सिंपल है, मस्त मौला, सिर्फ इंफॉर्मेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ना. बायोलॉजी डील्स विद लाइफ, तो अगर आपने उसको बार 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 रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, दिस इज वन सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. आई होप यू गेट दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो देर आर ओनली टू जर्म लेयर्स, सो दिस एनिमल्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको पहले निडेरिया ग्रुप में डाला गया था. लेकिन अब मैं आपको डिसिमिलैरिटीज बताता हूं, मतलब इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो निडेरिया में नहीं है, जिसके वजह से निडेरिया ने इसको लात मार के अपने फाइलम से बाहर निकाल दिया. तो इन लोगों ने अपना अलग फाइलम बना लिया विद द नेम फाइलम टीनोफोरा. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, बाय द वे, डू यू नो व्हाई दे आर कॉल्ड टीनोफोरा? देखिए अब आपको समझ में आएगा.
मैंने क्या कहा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोम्ब जेलीज बिकॉज इनके ऊपर ऐसी कंगी जैसी प्लेट्स होती है सीलिया से बनी हुई जो इनको लोकोमोशन में मदद करती है. बोला था. नाउ इफ यू स्प्लिट द वर्ड, टीनोस का मतलब होता है कोम्ब और फोरा का मतलब होता है बेरिंग. अब सोच लीजिए, अगर मैं आपकी पूरी बॉडी पे कंगी 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 सब जगह लगा दूं तो आप तो कोम्ब बेरिंग हो जाएंगे, है ना. मजाक कर रहा हूं, यहां पर असली कंगी नहीं है, कंगी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसलिए इन्हें कोम्ब जेलिस कहा है. सो टीनोज का मतलब है कोम्ब और फोरा का मतलब है बेरिंग. देखिए जब भी बायोलॉजी पढ़ेंगे उसके रूट तक जाके पढ़िए, बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ी जाती है. अगर ये नाम है तो क्यों है, अगर ये ऐसा है तो क्यों है, फिर nobody can come near you in biology. I hope you get my point, right? चलिए एक बार फिर से बताइए, what are the similarities of Ctenophora with Cnidaria? The body plan is a blind sac. The digestive system has only one opening, you can see here, which is called as the mouth. Then the level of organization is tissue level. अभी तक organs बने नहीं हैं. The symmetry is radial. There is no coelom, so these animals are acoelomate. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच में कोई जगह नहीं है, ये कोई जगह खाली यहां पर नहीं है, ठीक है. देन देयर आर टू जर्म लेयर्स व्हिच मेक्स देम डिप्लोब्लास्टिक. सो दीज आर द फीचर्स व्हिच आर इन कॉमन विथ फाइलम निडेरिया. तो फिर इन्हें निडेरिया ग्रुप में से क्यों हटाया गया, चलिए अब वो देखते हैं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड what are the dissimilarities from Cnidaria. मतलब इनके ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो Cnidaria में नहीं है, जिसके वजह से इनको Cnidaria ग्रुप से निकाल दिया गया, ठीक है. चलिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप मुझे बताइए वो वर्ड का नाम, आप कोशिश कीजिए. मैंने कहा कि ये जानवर, ये एनिमल्स रात को चमकते हैं, दे शो लाइट. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड, कम ऑन, वेरी गुड. सो दीज एनिमल्स शो बायो लुमिनिसेंस, ओके, जो Cnidaria के पास नहीं है. सेकंड, इनके पास कोम्ब प्लेट्स हैं. कोम्ब प्लेट्स आर नथिंग बट सीलिएटेड प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, है ना, तो Cnidaria के पास वो नहीं है. थर्ड, हमने कहा Ctenophora आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सिर्फ और सिर्फ समुंदर के पानी में पाए जाते हैं. लेकिन Cnidaria में हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ देम आर फ्रेश वॉटर एंड सम ऑफ देम आर मरीन, मतलब वो दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, पर ये सिर्फ समुंदर के पानी में पाए जाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा आप ध्यान से सुनिए, जब हमने Cnidaria पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि उसमें दो फॉर्म्स होते हैं. ये जो सिलिंड्रिकल फॉर्म्स हैं, मान लो ये आपका हाइड्रा है ना, दिस इज अ सिलिंड्रिकल फॉर्म. और ये जो अम्ब्रेला शेप वाला है, ओके, ये जो अम्ब्रेला शेप वाला है इसे हमने कहा था मेडूसा फॉर्म. एग्जाम्पल बताइए. सो इन दिस सिलिंड्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलिप एंड द अम्ब्रेला शेप फॉर्म इज कॉल्ड एज मेड्यूसा, है ना. अब यहां पर देर इज नो पॉलिप फॉर्म, यू विल नॉट सी एनी पॉलिप फॉर्म्स. अच्छा फिर हमने यह भी कहा था कि Cnidaria ये सिंगल भी होते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं और कोलोनियल फॉर्म्स में भी होते हैं, मतलब ये अपनी कॉलोनीज बनाकर भी रहते हैं. बट इन Cnidaria There are no colonial forms. ये हमेशा सिंगल सिंगल अकेले रहते हैं. अकेले रहने को कहते हैं सॉलिटरी, एंड जब वो ग्रुप बनाकर रहते हैं तो उन्हें कहते हैं कॉलोनीज. बट यहां पर देर इज नो कोलोनियल फॉर्म्स, इज दैट क्लियर. देन हमने कहा था Cnidaria में जो पॉलिप फॉर्म है वो हमेशा कोई सरफेस से अटैच्ड होता है. मान लीजिए ये पॉलिप है, ये पॉलिप की डंडी है, ये उसके टेंटेकल्स हैं, तो ये पानी में कोई सरफेस को अटैच्ड होता है. लेकिन जो मेडूसा फॉर्म है, जेलीफिश है, वो फ्री स्विमिंग है, वो मोटाइल है. बट यहां पर ऑल द फॉर्म्स आर मोटाइल,
all are motile. There is no sessile form. I hope this is clear. अच्छा, फिर हमने पढ़ा था निडेरिया में हमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. पर टिनोफोरा कहता है, हाँ, मैं तो तुम लोगों से बड़ा हूं, मेरा फाइलम तो तुम लोगों से ज्यादा डेवलप्ड है, तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा. सो एनिमल्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा दे शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, दे शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. देन अगर आपको याद होगा, हमने कहा था फाइलम निडेरिया के ऊपर ये जो सेल्स हैं, ओके, ये जो टेंटेकल्स हैं, इनके ऊपर स्पेशल डंक मारने वाले सेल्स लगे हैं, है ना. उन्हें हमने कहा था निडोब्लास्ट, जिससे उस फाइलम को निडेरिया नाम मिला, डंक मारने वाले सेल सांप के जैसे. बट इन टीनोफोरा देर आर नो निडोब्लास्ट्स. आई होप दिस इज क्लियर. एब्सोल्यूटली ओके. चलिए, सो व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज फ्रॉम निडेरिया ग्रुप. टीनोफोरा शोज बायोलुमिनेसेंस, निडेरिया डज नॉट शो बायोलुमिनेसेंस. देखिए, आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा. नाउ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब, कंपेयर मीन्स आपको सिमिलैरिटीज बतानी है, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है ऑपोजिट, आपको ऑपोजिट फीचर्स बताने हैं, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखिए, टीनोफोरा शोज बायोलुमिनेसेंस, निडेरिया डज नॉट शो बायोलुमिनेसेंस. टीनोफोरा हैज कॉम्प्लेट्स, निडेरिया डज नॉट हैव कॉम्प्लेट्स. टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बट निडेरिया कुड बी मरीन ऑल्सो एंड फ्रेश वॉटर फॉर्म्स ऑल्सो. देन इन टीनोफोरा देर आर नो पॉलिप फॉर्म्स एंड नो कोलोनियल फॉर्म्स. इन टीनोफोरा ऑल एनिमल्स आर मोटाइल, दे आर फ्री स्विमिंग. बट निडेरिया में सम आर सेसाइल एंड सम आर फ्री स्विमिंग. देन निडेरिया रिप्रोड्यूस बाय बोथ द मेथड्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. बट टीनोफोरा रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन निडेरिया यू हैव स्पेशल सेल्स फॉर पैरालाइजिंग द प्रे, वो जहर छोड़ने वाले सेल्स पढ़ा था हमने, जिन्हें कहते हैं निडोब्लास्ट. बट हियर देर आर नो निडोब्लास्ट. आई होप दिस इज क्लियर. Absolutely. चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टीनोफोरा के बारे में बताने, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, निडेरिया के टेंटेकल्स पे डंक मारने वाले सेल्स थे, उन्हें हमने कहा क्या कहा, निडोब्लास्ट. अब इनके पास निडोब्लास्ट तो नहीं है, पर कुछ अलग प्रकार के सेल्स इनके टेंटेकल्स पे आपको मिलेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिए. अब ये जो अलग प्रकार के सेल्स इनके टेंटेकल्स पे आपको मिलेंगे, इन्हें कहते हैं कोलोब्लास्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दे कॉल्ड, कोलोब्लास्ट. कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए. ओके, अब ये कोलोब्लास्ट क्या होते हैं, इन टेंटेकल्स के ऊपर ना, ये देखिए ऐसे, ये इस तरह से ये सेल्स होते हैं दोनों तरफ इनकी टेंटेकल्स के ऊपर. ओके, तो इन सेल्स को हम कहेंगे कोलोब्लास्ट. अब सुनिए, दोनों में डिफरेंस क्या है. निडोब्लास्ट के अंदर जहर था, टॉक्सिन था, जो, और ये अपना टॉक्सिन अपने प्रे के अंदर इंजेक्ट करके उसको पैरालाइज कर देता था, है ना, और फिर अपने टेंटेकल से पकड़ के मुंह में डाल देता था. अब यहां पर ये जो कोलोब्लास्ट है, ये स्टिंगिंग सेल्स नहीं है, ये डंक मारने वाले सेल्स नहीं है, ना ही इनके अंदर कोई पॉइजन है. दिस कोलोब्लास्ट दे आर स्टिकी सेल्स, ये बहुत चिपचिपे स्टिकी सेल्स होते हैं, ये एक प्रकार की ग्लू रिलीज करते हैं जिससे ये अपने प्रे को चिपका लेते हैं अपने अंदर. ओके, इनका जो प्रे है, इनका जो खाना है, वो उनके अंदर उस सेल्स में चिपक जाता है, राइट. फेविकॉल का मजबूत जोड़, टूटेगा नहीं. तो द ग्लू इज एक्चुअली वेरी स्टिकी, राइट. सो दिस सेल्स, अच्छा, दे हेल्प टू कैप्चर द प्रे एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन एंकरेज. एंकरेज मतलब किसी सरफेस को अटैच होने के लिए. वैसे ये अटैच नहीं होते, लेकिन अगर किसी प्रे को पकड़ना है, कोई किसी सरफेस को चिपकना है कुछ देर के लिए, तो ये इस
कोलोब्लास्ट की मदद से चिपक जाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए, सो दीज आर दे हैव स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट. अब आगे बात करते हैं इनके डाइजेशन की. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए. अब अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट मतलब देयर इज ओनली वन ओपनिंग, इट्स अ ब्लाइंड सैक कहा था. तो इनका डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर, दोनों तरह की डाइजेशन हमें देखने मिलेगी. अब ये हमने आपको निडेरिया में भी समझाया था, फिर से एक बार बता रहा हूं. सी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब डाइजेशन सेल के अंदर नहीं होता, डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, वहां से न्यूट्रिएंट्स सेल में जाते हैं. लेकिन इंट्रा सेल्यूलर में पूरा खाना ही सेल के अंदर चला जाएगा और डाइजेशन सेल के अंदर ही होगा. लेकिन यहां पर इट इज पार्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड पार्टली इंट्रा सेल्यूलर. थोड़ा सा डिटेल में बता दूं? चलिए बता देता हूं. मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी की बॉडी वॉल है, जस्ट रफली बता रहा हूं आपको समझाने के लिए. और मान लीजिए ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और यहां ये बाजू में सेल्स पड़े, ये बाजू में सेल्स पड़े. तो जब खाना, जब फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा तो फूड का डाइजेशन इसके अंदर ही होगा, सेल्स में नहीं हो रहा है, सेल्स के बाहर हो रहा है. तो यहां पर दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर. एंड देन द डाइजेस्टेड फूड विल बी टेकन टू द सेल्स विद द हेल्प ऑफ द ब्लड. लेकिन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में क्या होता है? सीधा खाना ही सेल के अंदर चला जाता है और वहां पर डाइजेशन होता है. बट इन केस ऑफ टीनोफोरा यू विल सी बोथ. सिंस द एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, हाफ ऑफ द डाइजेशन विल बी एक्स्ट्रा सेल्यूलर और बाकी का हाफ सेल्स में जाने के बाद होगा. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अच्छा, अगर आप पूछेंगे इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए कुछ है, तो मेरे बच्चों कुछ भी नहीं है, देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर आप बोलोगे इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कुछ है, तो कुछ भी नहीं है. भाई टिश्यू लेवल है ना, अभी तक ऑर्गन्स बने कहां हैं? तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस. इनके बॉडी सरफेस से ही कचरा बाहर निकल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाएगा. देयर इज नो स्पेशल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्यूटली. चलिए, इतने पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब मुझे इसके रिप्रोडक्शन में के बारे में आपको बताना है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलिए, लेट मी इरेज दिस सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन केस ऑफ टीनोफोरा? सी, एक बात बताऊं बच्चों, जब मैं बायोलॉजी पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन 11th 12th, तो मुझे ना वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, वैसे तो मेरा ह्यूमन बायोलॉजी काफी फेवरेट है बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, सो आई एम मोर इन कनेक्शन विथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. बट ये टॉपिक ना इतना इंटरेस्टिंग लगता था मुझे कि आप सोचिए, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो मुझे सिर्फ मेरे आसपास के एनिमल्स पता थे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, घोड़ा, हाथी, है ना, क्योंकि बचपन से मुझे यही एनिमल सिखाए गए थे. लेकिन इस धरती पर इतने अजीब अजीब चित्र विचित्र प्राणी हैं जिनका डाइजेशन का तरीका अलग है, रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है. ये देखिए, टेंटेकल से अपने प्रे को कैप्चर कर रहा है, कोई डंक मार के कर रहा है, कोई चिपका के कर रहा है, किसी के पास आधी डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी के पास है ही नहीं. मतलब इतने डाइवर्स फीचर्स हैं एनिमल किंगडम में कि बहुत एक्साइटिंग लगता था कि भगवान ने कैसे कैसे जानवर इस धरती पर बनाए हैं, है ना. चलिए पढ़ते हैं आगे. अब देखिए, निडेरिया में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. बट एनिमल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली. ओके, दे शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब मुझे बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमिट्स चाहिए, मेल एंड फीमेल, तो ये अपने अंदर गैमिट्स बनाता है. बट
But very important point, all animals of phylum Ctenophora are hermaphrodites. They are hermaphrodites. अब hermaphrodites मतलब क्या? What do you mean by hermaphrodites? बताइए, मैंने आपको बताया था. Both male and female gametes are formed in the same body. उसी में male gamete बनेगा, उसी में female gamete बनेगा. See, बेटा मैंने आपको last time भी बताया था कि जो animals शुरुआत में आए थे, उनमें ज्यादा, उनकी बॉडी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी ना, तो सब कुछ एक ही बॉडी में हो जाता था, राइट? सो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. लेकिन अब आप बोलोगे हर्माफ्रोडाइट्स मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, इन लोगों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो क्या होता है, देखिए, मान लीजिए ये एक Ctenophora है और ये बाजू में दूसरा Ctenophora है. ओके, ये दो Ctenophora है. अब दोनों के अंदर मेल गैमेट्स भी बनेंगे, मेल गैमेट्स भी बनेंगे, और दोनों के अंदर फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे. बोथ ऑफ देम विल प्रोड्यूस मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स. इसीलिए हम इनको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स. लेकिन इनका गैमेट्स एक दूसरे की बॉडी में नहीं डाला जाता. मतलब इन लोगों में यू विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा. आपको क्या देखने मिलेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? चलिए, मतलब फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का हुआ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे में जब एक मेल और फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो मेल अपना स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर डालता है ना? वी पुट द स्पर्म इन द फीमेल्स बॉडी. तो बच्चा उस फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप होगा. दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? देखिए, अब मान लीजिए दिस इज Ctenophora नंबर वन एंड दिस इज Ctenophora नंबर टू. अब ये दोनों पानी में रहते, इनके आजू बाजू सब जगह पानी है, तो ये क्या करेंगे, अपने मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को पानी में छोड़ेंगे. ये अपने मेल गैमेट्स को पानी में छोड़ेंगे और ये अपने फीमेल गैमेट्स को भी पानी में छोड़ेंगे. ठीक है, बोथ ऑफ देम विल रिलीज देयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन वॉटर एंड दे विल फर्टिलाइज इन वॉटर. द मेल गैमेट विल फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट इन वॉटर एंड नॉट इन द बॉडी ऑफ द Ctenophora. तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आई रिपीट, बोथ द पेरेंट्स विल रिलीज देयर गैमेट्स इन वॉटर एंड द मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल फर्टिलाइज इन द वॉटर एंड नॉट इन इनसाइड द बॉडी ऑफ द Ctenophora. सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब देखिए क्या होगा. ओके, फर्टिलाइजेशन होगा, मान लीजिए ये मेल गैमेट है और मान लीजिए ये फीमेल गैमेट है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा बनेगा. अब इस अंडे में से पहले एक छोटा कीड़े जैसा जानवर बाहर आएगा, एक छोटा Ctenophora बाहर आएगा. इसे हम कहते हैं द लार्वल स्टेज. इसे क्या कहते हैं? लार्वल स्टेज. और फिर ये लार्वा जब बड़ा होगा तब ये इस Ctenophora जैसे दिखाई देगा. मतलब जब वो जस्ट निकलता है अंडे में से तो वो Ctenophora पेरेंट Ctenophora जैसा नहीं दिखता, वो एक कीड़े की शक्ल का होता है. उस स्टेज को कहते हैं लार्वल स्टेज. और फिर बड़ा होने के बाद इट विल टेक अप द फॉर्म ऑफ द पेरेंट Ctenophora. आई होप दिस इज क्लियर. तो मेरे बच्चों, इन Ctenophora यू विल सी अ लार्वल स्टेज एंड वी से दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. व्हाट इज इट कॉल्ड? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अब मुझे बताइए हमारे में क्या फर्क है? हमारे में आपने देखा है कभी कोई लेडी ने अंडा दिया, उसमें से कीड़ा निकला, फिर वो कीड़ा बड़ा होकर इंसान बना? नहीं. हमारा ह्यूमन बेबी का का फॉर्म हमारे जैसा ही दिखता है ना? द बेबी लुक्स लाइक पेरेंट्स ओनली. तो हमारे में कोई लार्वे स्टेज नहीं होता. तो हमारा जो डेवलपमेंट है बेबी का, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है. डायरेक्ट का मतलब द यंग वन लुक्स जस्ट लाइक पेरेंट्स. लेकिन यहां पर द यंग वन डज नॉट लुक लाइक पेरेंट्स, इट लुक्स लाइक अ कीड़ा. कीड़ा मतलब लार्वा. एंड देन व्हेन इट ग्रोज अप इट लुक्स लाइक द पेरेंट्स.
तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. एब्सोल्यूटली. अब हमें इसके एग्जांपल्स याद रखने, हमें दो ही एग्जांपल्स यहां पर याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक है, द फर्स्ट वन इज एग्जांपल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा, प्लूरोब्रेकिया. प्लीज रिपीट विथ मी, व्हाट इज इट कॉल्ड? प्लूरोब्रेकिया. जैसा कि मैंने आपको कहा, आप बायोलॉजी जितना रिपीट करेंगे, बार 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 बोलते रहेंगे, तभी जाकर आपको ये नाम लर्न होंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज प्लूरोब्रेकिया एंड द सेकेंड वन इज एंड द सेकेंड वन इज टीनोप्लाना. जस्ट दिस टू नेम्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर फाइलम टीनोफोरा, दैट इज प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना. ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा. अच्छे से पढ़ लीजिए. अगर आपको नहीं समझ में आए, बार 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 वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हैं. आई होप ये कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया है. अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज आपका प्यार हमें दिखाइए. बी द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर अस, गिव अस योर एनर्जी बाय योर ब्यूटीफुल कमेंट्स. अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज 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 हमारे चैनल को जितना हो सके फैला दीजिए, ताकि महाराष्ट्र के सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके. थैंक यू सो मच. नाइस मीटिंग यू ऑल. मिलते हैं अगले क्लास में. टिल देन, गॉड ब्लेस.